नमस्कार दोस्तों, आज हम कॉन्ट्रैक्टर लेजर को कंप्लीट कर लेंगे और उसमें जितनी भी प्रॉब्लम आ सकती है उन सबको अच्छे से समझेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए आपको तो इसको लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। तो अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक वीडियो को देखते रहना। तो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि कर्मचारियों के लिए हर इम्पोर्टेंट मैटर्स पर हम वीडियो बनाते रहते हैं, तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको कवर किया हुआ, तो इसको बीच में बंद मत करना, फिर समझ नहीं आएगा। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी टॉपिक मैंने कवर किया है, जितने भी पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले दिया फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल फॉर वर्क बी। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर बिल के जितने भी टॉपिक हैं वो देख लिए हैं और कॉन्ट्रैक्टर लेजर के पिछले टॉपिक जो मैंने बनाए थे वो देख लिए हैं, तो ये जो मैं बता रहा हूँ वो समझने में इजी हो जाएगा। तो उनको पहले ज़रूर देख लेना। तो चलिए देखते हैं, जो वैल्यू ऑफ वर्क डन दिया गया 70,000 है, फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल है, तो 70,000 टोटल वैल्यू भी हुआ तो सेंस भी उतना ही होगा। तो अभी देखिए, कॉन्ट्रैक्टर लेजर में 70 हमने डाल दिया टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन, तो जितनी हमारी ड्यू पेमेंट है वो भी 70,000 हो गई, वो यहाँ पर डाल दी, और जितनी हमने पेमेंट की है वो भी 70,000 ही आएगी, क्योंकि ग्रॉस पेमेंट जो है हमने 70,000 की है। सिक्योरिटी डिपॉजिट और इनकम टैक्स की जो एडजस्टमेंट होगी वो बाद में होगी, पेमेंट करते। तो नेक्स्ट देखिए, सेकंड रनिंग अकाउंट बिल दिया गया, वो भी वर्क बी के लिए ही है, तो उसमें वैल्यू ऑफ वर्क डन अप टू डेट दी गई है 1,30,000। तो उसको पहले लिखिए, और जो 1,30,000 है उसमें से पिछले वाले बिल की अप टू डेट क्वांटिटी को डिडक्ट कीजिए, तो हमारी जो ड्यू पेमेंट है जो 60,000 सिंस प्रीवियस बिल वैल्यू ऑफ वर्क डन हमारा आ जाएगा, तो वो भी यहाँ पर लिख लीजिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस बिल से कितनी कौन कौन सी रिकवरी की गई है। जो हमारी 60,000 पेमेंट है उस जो ड्यू हो रही है उसमें से कौन सी रिकवरी करके कितनी पेमेंट की जानी है। तो एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी एग्ज़ाम में आप करोगे तो सबसे पहले पूरी डिडक्शन जितनी भी है उन सारी सभी के सभी को पढ़ लेना, ताकि एंट्री करते वक्त गलती ना हो जाए। तो इसमें सबसे पहले देखिए, 50% जो सीमेंट इशू किया गया था वो यूज़ हो गया, दूसरा स्टील सारी की सारी यूज़ हो गई है, और तीसरे नंबर पर इन्होंने बोला है सिक्योरिटी डिपॉजिट इनकम टैक्स एट्सेट्रा वो रिकवरी की गई है, और उसके बाद इन्होंने बोला है कि 500 जो वर्क सी की कोई रिकवरी थी वो भी इस बिल से की गई है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो सीमेंट है वो कितना इशू किया गया था, वो किया गया था 13,000, तो उसका 50% 6,500 हो गया। तो दूसरा स्टील जो थी वो 14,000 की थी, तो 14,000 और 6,500 हमारा 20,500 आ गया। अगर आप देखें कि अगर आप इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं 20,500 को प्लस 500 और भी कर देते हैं तो 21,000 आपका आ जाएगा, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। पर आप जब डिटेल ऑफ बैलेंस बनाओगे तो वर्क वाइज इसको नहीं लिख पाओगे, तो इसलिए हम ऐसे करेंगे कि पहले वर्क बी वाली रिकवरी यहाँ पर लिख के पेमेंट उसको उसकी निकाल देंगे, और उसके बाद जो है वर्क सी की रिकवरी बाद में डालेंगे। तो सबसे पहले 20,500 की एंट्री कर लो, और उसके बाद आपको मैंने बताया था कि जब भी डेबिट वाली आइटम निकालनी है तो ये डेबिट वाला हमने जो ब्लैंक है इसको हम निकालेंगे, तो जो उधर वाली क्रेडिट वाली अमाउंट है उसमें डी प्लस ई प्लस जी कर देंगे, तो माइनस वाला इफेक्ट देना, तो 60,000 माइनस 20,500 हमारा आ जाएगा 39,500। तो जितनी भी अदर ट्रांजेक्शन में जो 500 वाली दूसरी वर्क सी की रिकवरी है, तो अगर माइनस में या तो हम क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट किया 500 इधर लिख दिया, तो ऐसे इन दोनों की एंट्री हो जाएगी। क्वेश्चन में देखो, इसमें डायरेक्टली लिख दिया है कि जो 40 बैग सीमेंट हैं इशू किए गए हैं वो रिकवरेबल एट द रेट 40 पर बैग हैं, तो 40 पर बैग एज़ पर एग्रीमेंट है, तो जब भी रिकवरेबल एज़ पर एग्रीमेंट दिया गया तो हम इसी को लेंगे और कोई रेट नहीं लेना, तो इसकी एंट्री हम कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें हमने मई मंथ की जो कॉन्ट्रैक्टर लेजर है वो प्रिपेयर करनी है, और आप अगर देखोगे तो इसमें ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं गया है, पर एक्चुअल में इसका ओपनिंग बैलेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को लेने का यही मकसद है कि आपको बताना कि जब भी आपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना है आपने ओपनिंग बैलेंस की स्पेस को ब्लैंक रख देना, और जो गिवन एंट्रीज़ है उनको लेजर में पोस्ट करना शुरू कर देना है।
तो जब हम नेक्स्ट एंट्रीज पोस्ट करते जाएंगे तो हम देखेंगे कि जितनी भी रिकवरीज आ रही हैं, अगर उनकी ड्यू की एंट्री नहीं है कि ये रिकवरी करनी है, तो उसको हम ओपनिंग बैलेंस में कंसिडर करेंगे। इस तरह से इसका ओपनिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। जैसे अभी 1 मई को जो एंट्री दी गई है उसमें रिकवरी है सिक्योर्ड एडवांस की, हायर चार्जेस की, एडवांस पेमेंट्स की। तो जो कॉन्ट्रैक्टर लेजर में आती है, एक सिक्योर्ड एडवांस आता है, एक एडवांस पेमेंट आता है। तो इन दोनों का जो ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे, सिक्योर्ड वर्क ए के लिए सिक्योर्ड एडवांस 10,800 और एडवांस पेमेंट 2,500। तो आपको जो सोल्यूशन दिख रहा है उसमें वर्क वाइज ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया गया है, पर जब आपने एग्ज़ाम में करना है तो उसको वर्क वाइज ही ओपनिंग बैलेंस को शो करना है, ताकि जो आपको डिटेल ऑफ बैलेंस बनाना इजी हो जाए। तो अभी जो हम नेक्स्ट देखेंगे कि एक और एंट्री है जो 16 मई की है। जैसे इन्होंने फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल दे रखा, नीचे रिमार्क्स दिया कि एक्चुअल में ये सेकंड रनिंग अकाउंट मिला। तो इसकी जो रिकवरी है सिक्योर्ड एडवांस की, तो उसका भी ओपनिंग बैलेंस होगा जब ड्यू की एंट्री की गई होगी, तो ओपनिंग बैलेंस 20,000 सिक्योर्ड एडवांस का आ गया और कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 12,600। तो ये वाला भी ओपनिंग बैलेंस आएगा, तो वर्क बी के लिए ये वाला ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो ऐसे आपने वर्क वाइज ओपनिंग बैलेंस को कर लेना है। नेक्स्ट एंट्री देखो 10 मई की, इसमें लिखा है कि जो मैसेज कुमार एंड कंपनी है उसके रिस्क एंड कॉस्ट पर गवर्नमेंट ने मैसेज रमन लाल एंड कंपनी का फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल बनाया है और उसने जो 10% अबव स्टैंडर्ड रेट पे काम किया है, जो हमने जिसकी हम लेजर बना रहे हैं, जिसको एक्चुअल में गवर्नमेंट ने काम दिया था मैसेज कुमार एंड कंपनी को, उसके साथ जितने रेट टेंडर में फिक्स हुए थे उस रमन लाल एंड कंपनी ने उससे ज़्यादा रेट पे काम किया। तो जितना रेट गवर्नमेंट को एक्सेस पे करना पड़ा है वो हम रिकवर करेंगे मैसेज कुमार एंड कंपनी को, जिसको हमने टेंडर दिया था। तो इसका हम जो वर्कआउट करेंगे 10% अबव टेंडर रेट है, तो इसको कैलकुलेशन आप स्क्रीन पर देख लो, ऐसे हम कैलकुलेट करके इसको कॉन्ट्रैक्टर लेजर में पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल दिया गया लमसम अकाउंट के लिए, इसमें स्टाफ मार्क दे रखा और रिमार्क्स दिया नीचे कि या इसमें जो रिकवरीज दी गई है सिक्योर्ड एडवांस की, तो पहले बिल में सिक्योर्ड एडवांस दिया होगा तो ये सेकेंड रनिंग अकाउंट बिल होगा। तो अभी लमसम कॉन्ट्रैक्ट को देखने के लिए पोस्ट करने से पहले हमें अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 का आर्टिकल 136 के नीचे जो नोट 2 है वो रीड करना पड़ेगा। तो उसमें लिखा होगा कि जब भी लमसम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें वर्क डन की वैल्यू है प्लस एडिशन अल्टरेशन है और माइनस सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो उसको नेट एडवांस पेमेंट ट्रीट करेंगे। तो अब इसमें ट्रांजेक्शन में 16 मई वाली में टोटल जो अमाउंट दी गई है, वर्क डन दिया गया वो 58,000 है और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 5,800 है। तो 58,000 माइनस 5,800 करेंगे तो जो हमारा 52,200 आ जाएगा, उसको हम एडवांस पेमेंट में लिखेंगे। और सिक्योर्ड एडवांस की रिकवरी दी गई है और कॉस्ट ऑफ मटेरियल की रिकवरी दी गई है, और इन तीनों को डी प्लस ई प्लस जी करके अगर प्लस में आएगा तो डेबिट लिखेंगे और अगर माइनस में आएगा तो क्रेडिट में लिख देंगे। 17 मई को देखो कि बोल रहा है कि जो MS बार्स है वो वापस ली गई है, मटेरियल जो पहले इशू किया गया था वो किया गया था 5,000 पर MT और 2% स्टोरेज चार्जेस के हिसाब से, पर जो इधर मार्केट प्राइस दे रखा है अब इस वाली ट्रांजेक्शन में वो 5,250 रुपीज़ हैं। तो जब भी हमने स्टॉक को वापस लेना हो तो डिपार्टमेंट फाइनेंशियल रूल का जो रूल नंबर 7.50 है उसको ध्यान से देखना है, और दो तरह की कैटेगराइजेशन होनी है कि क्या स्टॉक हमने खुद से कॉन्ट्रैक्टर को इशू किया गया था और जहां कॉन्ट्रैक्टर ने बाय किया था जो वो वापस कर रहा है। तो स्क्रीन पर देखो और इसको अच्छे से समझ लो। 18 मई को देखो, कॉन्ट्रैक्टर को स्टील एंगल्स सप्लाई किए गए हैं बट दैट इज़ नॉट बोनाफाइड यूज़ फॉर वर्क। तो जो भी आइटम वर्क के यूज़ के लिए नहीं है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्टर लेजर में पोस्ट नहीं करेंगे। तो 21 मई को देखो, यहाँ पर लिखा गया है कि सेकंड रनिंग अकाउंट बिल फॉर वर्क डी, पर यहाँ पर वैल्यू ऑफ वर्क डन वर्ड यूज़ नहीं किया गया। तो जहाँ पर भी वैल्यू ऑफ वर्क डन का यूज़ नहीं किया गया होगा हम इसको नेट वैल्यू ऑफ वर्क डन सिंस प्रीवियस बिल समझेंगे, तो डायरेक्टली जो 20,000 है एफ वाली वैल्यू में आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा।
नेक्स्ट देखिए 24 मई की जो ट्रांजेक्शन है उसमें दिया गया है कि जो बिल है उसमें डिले हो गई है और उसको पेमेंट नहीं की जा सकी। तो इस हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है उसमें जितना भी नेट वैल्यू निकलती है, जैसे वैल्यू ऑफ वर्क है 80,000, तो उसमें से जितनी भी रिकवरी है डिडक्ट करेंगे और जो नेट वैल्यू होगी उसका 80% जो है वो एडवांस दे देते हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट का वो मुझे अभी रूल मिला नहीं है, जब भी मिलेगा मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख दूंगा। अब इस क्वेश्चन में देखो 24 मई की एंट्री है, जो रनिंग अकाउंट बिल नंबर 3 दिया गया है, इसमें चेक की अमाउंट हमें दे दी गई है और साथ में दिया गया है कि जो फुल अमाउंट ऑफ एडवांस पेमेंट है उसको एडजस्ट किया गया और सिक्योर्ड एडवांस जो है 4,000 का उसको एडजस्ट कर दिया गया। तो मैं आपको बता दूँ कि जो एडवांस की पेमेंट पहले हुई है वो 2,500 की है, तो उसको रिकवर किया है यहाँ पर और 4,000 सिक्योर्ड एडवांस को रिकवर किया। तो अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट 2.5% दिया और इनकम टैक्स 2% डिडक्ट करके दिया। तो हमें पता कि जो चेक की अमाउंट होती है उसको लेजर में पोस्ट नहीं करना होता है, ग्रॉस अमाउंट को करना होता है। तो ग्रॉस अमाउंट कैसे निकलेगी, जो चेक की अमाउंट है प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट की अमाउंट और प्लस इनकम टैक्स की अमाउंट, वो हमने जो एल्यू है वहाँ पर पोस्ट करनी है। तो इसको मैथमेटिकल फार्मूला से निकालेंगे, उसको आप स्क्रीन पर देखो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 15th of October की ट्रांजेक्शन देखो, इसमें रिकवरी ऑफ सिक्योर्ड एडवांस है 15,000 की और जो फ्रेश सिक्योर्ड एडवांस है वो 5,000 का। तो जो इनमें से बड़ी अमाउंट है वो रिकवरी वाली है, तो जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे 10,000, तो वो हमारा जो बड़ी वाली अमाउंट होगी वही आएगा, तो वो रिकवरी है, वो एंट्री कॉन्ट्रैक्टर लेजर में पोस्ट कर देंगे। इस ट्रांजेक्शन में देखो अदर डिवीज़न है जो उसने इन्फॉर्म किया है कि 1,000 जो है इस कॉन्ट्रैक्टर के बिल से रिकवर कर लो। तो अभी सिर्फ इन्फॉर्म किया है, हमने रिकवरी नहीं की है। वैसे भी जो रिकवरी है 8B में आएगी, वर्क से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो इसको हम पोस्ट अभी नहीं करेंगे। अब देखो 18 अक्टूबर को जो अदर डिवीज़न ने हमें इन्फॉर्म किया था उसकी रिकवरी कर ली है बिल से, तो ये डायरेक्टली वर्क से रिलेटेड नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर लेजर में इसको पोस्ट नहीं करेंगे। साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट और इनकम टैक्स आपको पहले ही पता, वो भी पोस्ट नहीं किया जाता है। 20 अक्टूबर को असिस्टेंट इंजीनियर जो वाई है उसने मस्टर रोल पर लेबर रख ली है एट द रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, तो जब इसकी पेमेंट होगी तब उसकी एंट्री पोस्ट की जाएगी, लेबर रखने पर एंट्री पोस्ट नहीं होगी। 31 अक्टूबर को देखो जो हमने लेबर रखी थी उसकी अब पेमेंट कर दिया, तो जो लेबर रखी थी 20 पर डे के हिसाब से 6 डेज के लिए और 7 लेबर्स, तो इसका जो टोटल आ जाएगा 840 आएगा, इसको हम लेजर में पोस्ट करेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पहले तो मैंने बताया कि सिर्फ एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो ही पोस्ट हो रही थी और यहाँ पर मैंने फुल अमाउंट पोस्ट कर दी, तो आपको इस बात का डिफरेंस देखना है कि जो पहले थी वो था कि जो पूरा का पूरा वर्क था वो मेयर करके दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से करवा लिया गया था और इस वाले में सिर्फ और सिर्फ लेबर रखी गई है। तो जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो एक वर्क है पूरा ही दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से करवा लिया जाता, तो उसकी जो मेयरमेंट है इस वाले कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में नहीं की जाती है। तो इधर जो लेबर वाला है, लेबर वाला सिर्फ मेयरमेंट तो इसी कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में होगी, तो सिर्फ और सिर्फ लेबर की पेमेंट हम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो 25th of October की एंट्री है, इसमें दिया गया कि सिमट इशूड इन सेप्टेम्बर बट नाउ एडजस्टेड इन अक्टूबर, तो इसको हमने मानना है कि जो सितंबर मंथ में थी उस टाइम जो लेजर में एंट्री थी पोस्ट नहीं की गई थी और अभी 25th of October को हम इसको लेजर में पोस्ट कर रहे हैं। तो नीचे जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो नीचे ये बात का नोट आपने दे देना है। इस क्वेश्चन में देखो फिर से हमें लमसम कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जो वर्क एक्स है वो लमसम कॉन्ट्रैक्ट है, ऊपर ट्रांजेक्शन से पता चल रहा है, और जो सेकेंड ट्रांजेक्शन दी गई है उसमें हमें कैलकुलेशन करने के लिए दिया गया है। तो हमें एडवांस पेमेंट फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले टोटल वैल्यू ऑफ वर्क जो है 39,000 है, प्लस करेंगे एडिशन तो 9,000 आ जाएगा, टोटल जो आएगा 48,000, उसमें से हम सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है 2.5% दिया गया उसको माइनस करेंगे, तो हमारी जो एडवांस पेमेंट है 46,800 की आ जाएगी। ट्रांजेक्शन नंबर 4 में सप्लाई का फर्स्ट एंड फाइनल बिल दिया गया है 3,000 का, तो जो हमारी ड्यू पेमेंट है वो भी 3,000 है और जो पेमेंट मेड है वो भी 3,000 है। तो जो अगर हम देखें कॉन्ट्रैक्टर लेजर में जब हमने पोस्ट किया इसको, तो डेबिट में भी 3,000
थाउजेंड और क्रेडिट में भी 3000, तो इसका डिफरेंट निकालेंगे तो नील आ रहा है। तो इसको हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, अगर इसको पोस्ट करे या नहीं करे तो ये हमारी मर्जी है फर्स्ट एंड फाइनल बिल को। तो जो स्टेट के लिए है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो क्या रूल है, वो अभी मुझे मिला नहीं है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ ट्रांजेक्शन है, इसमें जो सिक्योर्ड एडवांस सिंस लास्ट बिल दिया गया -20,000 का, तो ये 20,000 रिकवरेबल है, एडजस्ट किया गया है। तो इसको ध्यान में रखना है कि जितना एडवांस हमने दिया और जितना रिकवर किया उनका जो डिफरेंस आ रहा है 20,000 रिकवरेबल आ रहा है। सेवन्थ ट्रांजेक्शन को देखो, इसको थोड़ा सा डिटेल में करके देखते हैं। तो सबसे पहले दिया है जो हाफ ऑफ सीमेंट इशूड फॉर वर्क वाज यूज्ड अपॉन वर्क, तो हम जानते हैं कि जितना भी सीमेंट यूज़ कर लिया उसकी हमने कॉस्ट ऑफ सीमेंट रिकवर करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं सीमेंट कितना इशू किया गया था, तो वर्क बी के लिए 9000 था, तो उसका हाफ हो गया 4500, तो इसको हमने रिकवर कर देना है, अदर ट्रांजेक्शन में लिखना है। तो नेक्स्ट देखो दिया है हाफ ऑफ द एडवांस आउटस्टैंडिंग एडजस्टेड, तो अभी देखते हैं एडवांस कितना था वर्क बी के लिए, तो ये ओपनिंग बैलेंस में जो वर्क बी के लिए है 12,000 था, तो इसमें से -6,000 हो जाएगा। और नेक्स्ट अभी देखो दिया है कि एंड फर्दर एडवांस ऑफ ₹9,000 अलाउड फॉर वर्क डन एंड नॉट मेड, तो जो मेड नहीं किया गया उसके लिए एडवांस पेमेंट की गई है 9,000 की, तो +9,000 -6,000 कितना आ गया 3,000, तो 3,000 हम एडवांस पेमेंट में लिख देंगे। तो सेवन्थ मई को देखो जो वर्क बी में डिफेक्ट था उसको रिमूव करने के लिए जो लेबर लगाई थी उसको पेमेंट की गई है, ग्रॉस पेमेंट जो है 5000 की है और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बाय लेबर 1000 है, तो हम 5000 प्लस 1000 करके रिकवरेबल कॉन्ट्रैक्टर लेजर में पोस्ट कर देंगे। टेंथ मई को देखिए फिर से हमारे पास सरप्लस मटेरियल रिटर्न करने का केस आ रहा है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर पी ने रिटर्न किया है सीमेंट जो हमने उसको पहले इशू किया था, तो हमको पता है कि जो हमने इशू किया उसको जो इशू रेट है उससे ज़्यादा प्राइस पे हमने वापस नहीं लेना और उसमें स्टोरेज चार्जेस भी इंक्लूड नहीं करने हैं, तो 600 पे इसको वापस लेंगे। नेक्स्ट दिया है कैरीज इंकर्ड बाय द डिपार्टमेंट टू कैरी इट टू स्टोर्स, तो जो हमने कैरीज इंकर किया तो सबसे पहले देखना जो हमने उसके साथ एग्रीमेंट किया था उसको मटेरियल सप्लाई करने का, क्या उसमें जो स्टिपुलेटेड था कि मटेरियल हमने उसकी साइट पर लेके जाना, तो अगर तो पहले हमने डिपार्टमेंट ने वो कॉस्ट पे की थी तो अभी वो कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर करनी है, और अगर पहले कॉन्ट्रैक्टर की थी तो वो अब डिपार्टमेंट पे करेगा। नेक्स्ट 22 मई को हमने मैकेनिकल डिवीज़न के बिहाफ पे रिकवरी की है 3000 की हायर चार्जेस ऑफ रोड रोलर्स की, तो इस ये एंट्री वर्क से रिलेटेड नहीं है, ये लेजर में हम पोस्ट नहीं करेंगे। तो अब देखो 2 मई को फिर से हमारे पास जो लमसम कॉन्ट्रैक्ट का केस आ रहा है, मैंने फिर से दोबारा इसको इसलिए पिक किया क्योंकि जो एडवांस पेमेंट की कैलकुलेशन है इसमें जो स्टाइल है क्वेश्चन का वो थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको हमें देखना चाहिए। इसमें दिया है वैल्यू ऑफ वर्क मेड अप टू डेट दे दिया गया है, वर्क डन सिंस प्रीवियस बिल दिया है, अप टू डेट पेमेंट मेड इन फर्स्ट बिल दिया है, अप टू डेट सिक्योर्ड एडवांस दे दिया और रिकवरीज दी गई हैं कॉस्ट ऑफ स्टील और सिक्योरिटी डिपॉजिट की। तो जब हमने लमसम कॉन्ट्रैक्ट में एडवांस पेमेंट निकालनी है तो आपको पता है कि जो वैल्यू है सिंस प्रीवियस बिल वाली वो लेनी है और उसमें से माइनस अगर अल्टरेशन है कुछ प्लस करना है और सिर्फ जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो माइनस करके एडवांस पेमेंट आ जाएगी, तो इसमें 70,000 है और माइनस करेंगे 1750 तो हमारा जो 68,250 आ जाएगा, ये एडवांस पेमेंट है। तो नेक्स्ट देखो दिया है कि ट्रांसफ़र फ्रॉम वर्क बी टू वर्क सी टू एम्प्टी ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट को ट्रांसफ़र किया तो हमने देखना है कि अगर तो पहले जो इशू किया गया था जो वर्क बी के लिए ही था सिर्फ तब हमने ट्रांसफ़र की एंट्री डालनी है, अगर पहले जब इशू किया गया था दोनों वर्क की परमिशन थी यूज़ करने के लिए तो लेजर में एंट्री नहीं आएगी। तो अभी सिंपली हम वर्क बी ट्रांसफ़र सीमेंट -2400 कर देंगे और जो वर्क सी है उसमें 2400 का प्लस कर देंगे अदर ट्रांजेक्शन में, और जो डेबिट क्रेडिट है वहाँ पर कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी इशू की एंट्री वहाँ पर इफेक्ट हो रही है। तो नेक्स्ट फिर से हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल बिल है सप्लाई का, तो इसको आपने पोस्ट करना है लेजर में तो कर दो, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब फिर से हमारे पास लमसम कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें देखना है कि एडवांस पेमेंट हम कैसे निकालेंगे, तो जो वैल्यू ऑफ वर्क डन सिंस प्रीवियस बिल है यहाँ पर दी नहीं गई है, पर हमें जो वैल्यू ऑफ वर्क डन अप टू डेट है वो 1,00,000
60,000 दिया गया और अल्टरेशन एडिशन जो है वो 9,000 किया, तो हम इसको प्लस करेंगे 1,69,000 हमारा आ जाएगा। और जो अप टू डेट वैल्यू ऑफ वर्क डन इन प्रीवियस बिल दी गई है वो 46,000 है, तो 1,69,000 माइनस 46,000 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,23,000। तो इसमें से हम 2.5% जो है सिक्योरिटी का विदर माइनस कर देंगे, तो जो हमारा 1,19,925 आ रहा है ये एडवांस पेमेंट है। अभी नेक्स्ट देखो, 5 जून को 3 टन सीमेंट जो इशू किया गया 1600 पर टन स्टिपुलेटेड रेट के हिसाब से, पर जो कैरीज पे की गई है वो उसका नहीं बताया गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में स्टिपुलेटेड है या नहीं है, तो हम इसको एज्यूम करेंगे कि जब भी क्वेश्चन में स्टिपुलेटेड नहीं दिया गया है कि साइट तक ले जाने के लिए कैरीज पे करनी है या नहीं करनी है, तो हम इसको कॉन्ट्रैक्टर से ही रिकवर करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, 12 जून को जो फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल दिया गया वर्क बी का, तो उसमें वैल्यू ऑफ वर्क डन दी गई है, सिक्योर्ड एडवांस दिया गया है, एडवांस पेमेंट दिया गया है, तो वैल्यू ऑफ वर्क डन जो है अप टू डेट है तो सीधे 10 नंबर कॉलम में डाल दीजिए, और साथ में जो फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल है तो एफ वाली एंट्री है वो भी सेम आएगी, क्रेडिट में भी 1,80,000 ही आएगा। तो सबसे पहले नेट ट्रांजैक्शन डिटेल में जो सिक्योर्ड एडवांस है 20,000 लिख लीजिए और एडवांस पेमेंट 30,000 लिख दीजिए। उसके बाद जो हमने देखना है रिकवरीज कौन सी वाली हैं, तो सबसे पहले जो कॉस्ट ऑफ लेबर एंगेज्ड ऊपर जो दी गई है मस्टर रोल के पेमेंट किया गया उसकी कैलकुलेशन करके 1800 आ रहा है, तो वो वाली आ गई। उसके बाद अमाउंट नॉट पेड टू लेबर बाय कॉन्ट्रैक्टर विदाउट, तो जब कोई अमाउंट हम विदाउट करते हैं तो लाइन नंबर 5 में कॉन्ट्रैक्टर बिल के रख लेते हैं, यानी कि वर्क अकाउंट में आ जाती है डायरेक्टली, वर्क से रिलेटेड ना होते हुए भी वर्क से रिलेटेड हो जाती है, तो इसको भी 2000 कंसीडर करना। और साथ में कॉस्ट ऑफ 1 टन ऑफ सीमेंट कंज्यूम्ड ऑन वर्क, तो जो ऊपर सीमेंट हमने उसको इशू किया उसमें 1 टन यूज़ हो गया तो उसकी 600 प्राइस थी, तो 600 ये वाला आ जाएगा, तो इन तीनों को पहले प्लस करेंगे। तो साथ में हमने देखना है कि कैरीज जो हमने पे किया था, जो हमने ड्यू की एंट्री डाली थी कि कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर करना है 300, तो उसको भी प्लस करेंगे, तो 1800 2000 1600 तो और 300 जो हमारा है 5700 आ जाएगा, इसको माइनस में अदर ट्रांजेक्शन में लिख देना है, और बाद में इसका बैलेंस जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया था तो डेबिट वाला निकालना है, तो एफ वाली अमाउंट में तीनों डी प्लस ई प्लस जी कर देना तो एच की वैल्यू निकल आएगी। तो नेक्स्ट 20 जून को जो वर्क बी है उससे सीमेंट ट्रांसफ़र किया गया है वर्क एम को, जो अनदर डिवीज़न का है, तो अनदर डिवीज़न को स्टॉक ट्रांसफ़र किया हुआ, तो जो रेट हमने लेना जो जितने भी रेट अवेलेबल हैं उनमें से सबसे कम जो रेट होगा उस पर हम कॉन्ट्रैक्टर को क्रेडिट कर देंगे। तो अगर इसके रिगार्डिंग स्टेट का कोई डिफरेंट रूल मुझे पता चलता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के नीचे, तो आप डिस्क्रिप्शन को भी जरूर देख लेना। उसके बाद देखो कि जो 2 टन ऑफ स्टील है इशूड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर वर्क डी अवार्डेड ऑन लेबर रेट्स, तो लेबर रेट का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मटीरियल को इशू किया गया, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब जो मटीरियल जो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लेबर का है उसमें मटीरियल इशू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट की है, डिवीज़न की है, गवर्नमेंट की है, तो इसको हम लेजर में पोस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट 12 अगस्त को जो है 5000 का मटेरियल जो कॉन्ट्रैक्टर को इशू किया गया और इस पे कैरीज जो है 250 का आया है, तो जो 250 का कैरीज पे किया है इट वाज नॉट स्टिपुलेटेड इन एग्रीमेंट, तो इसको हमने साइट पे नहीं पहुंचाना था, तो साइट पे पहुंचाया, उसका जो चार्ज है कॉन्ट्रैक्टर से ही रिकवर करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए 16 अगस्त को फिर से उसको मटेरियल जो है सप्लाई किया गया वर्क ए के लिए, तो उस पर जो फ्रेट एंड चार्जेज है वो फिर से फ्रेट एंड कैरीज है जो गवर्नमेंट ने पे किए हैं 450, तो वो उससे रिकवर करने हैं। और नेक्स्ट जो उसने वैगन टाइम पे अनलोड नहीं किया होगा तो उसको डैमरेज पड़ा है 300 का, तो जितनी भी कॉस्ट ऑफ मटीरियल है 10,000 प्लस 450 जो कैरीज है और प्लस ये डैमरेज चार्जेज, इन सब का मिला के हमने कॉन्ट्रैक्टर से रिकवरेबल की एंट्री ड्यू की एंट्री पोस्ट कर देनी है लेजर में। तो नेक्स्ट 22 अगस्त को देखना जो सेकंड एंड फाइनल बिल दिया गया, तो पेमेंट ड्यू एज पर दिस बिल दिया गया 91,000, तो ये क्रेडिट वाली एंट्री है कि ड्यू अमाउंट कितनी है,
तो नेक्स्ट रिकवरीज दी गई हैं, हायर चार्जेस टूल एंड प्लांट नहीं आएगी, तो रिकवरी ड्यू फॉर अनदर वर्क नहीं आएगी, 8B की एंट्री है, तो आर रिकवरीज एंड एडवांस एडजस्टेड, तो जितने भी पहले फाइनल बिल है तो जितने भी एडवांसेज हैं वो हमने रिकवर करने हैं, रिकवरीज है वो भी रिकवर करनी है। तो जो 2000 है इसको हमने देखा कि पहले 2000 कोई भी वर्क ऐसे रिकॉर्डिंग ड्यू की हमने एंट्री नहीं की हुई है, तो ओपनिंग बैलेंस में 2000 का अलग से वर्क वो आए जहाँ एक्स करके इसको ओपनिंग बैलेंस में लिख लेना और यहाँ से इसकी भी रिकवरी करनी है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें और भी वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती है।